प्रिय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक कोविड अटेंडेंट हूँ और मेरे फादर कोविड पेशेंट। पिछले 23 दिनों से मेरे फादर कोविड से लड़ रहे हैं और अब आकर उनमें इम्प्रूवमेंट आया है। इस स्टेज तक पहुंचने में मेरी जिस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के हॉस्पिटल बेड तक, और उसमें पैसा, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ शामिल था। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो थी मेरे को डॉक्टर तोमर की होम्योपैथी। मैं लगातार कोविड पेशेंट के साथ थी, मैं अकेले होम टेकर थी, जो हॉस्पिटल में भी उनके साथ थी, और 23 अप्रैल से लेकर आज 10 मई तक मैं उनके साथ ही थी, साथ ही हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा डर था कि मेरी अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी लड़ पाएगी और क्या कहीं मैं कोरोना इफेक्टिव ना हो जाऊं। और लेकिन मुझे सब में जो सबसे ज्यादा मदद मिली वो डॉक्टर सुधीर तोमर की दवाइयों से। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, उनका ऑक्सीजन लेवल जब लगातार डिक्रीज हो रहा था, 72 पहुंच गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे डॉक्टर तोमर की दवाइयों के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि उनको अपने घर में पॉजिटिव और टेस्टेड रिजल्ट मिले थे, उनके घर में अपने पेशेंट ठीक हुए थे, तो उनके रेफरेंस में मैंने भी डॉक्टर तोमर को कॉन्टैक्ट किया और उनसे दवाइयां ली। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि इनिशियली इतना फास्टर हो सकता है क्या, क्योंकि जहां हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं किस तरह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर जुगाड़ करके, वो भी कितने घंटे चलता हमें नहीं पता। हमने वो लगाया था और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए फिर भी वो फॉल आ रहा था, रेंज कर रहा था एक टाइम पर 69 to 72 के बीच में, और हमारे लिए उस वो टाइम वो इमोशनल ट्रामा बहुत डिफिकल्ट था झेलना। हमने जो डॉक्टर तोमर की दवाइयाँ दी उनको, विद इन 4 to 5 आवर्स में ना वो स्टेबल हुआ बल्कि इंक्रीज होकर के 82 पहुंच गया। हालांकि कंडीशन क्रिटिकल थी हमारे लिए, लकली एक बेड हमें मिल गया सुचित्रा के प्लानी में, 29 को तो हमने उनको एडमिट किया, लेकिन दवाइयों की वजह से 77 ईयर्स ओल्ड के मेरे फादर के रिकवरी रेट इतना फास्टर रहा कि वो 6 डेज में रिकवर कर गए और अब वो हॉस्पिटल से बाहर हैं। उनकी मेरी कोरोना रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव आई है, लेकिन उनकी अभी पॉजिटिव है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है चूंकि वो इम्प्रूवमेंट है और अभी 93, 94, 95 के बीच में उनका रेंज करता है, तो उन्होंने कहा वो इम्प्रूव आ जाए, 1 वीक के बाद आप उसको करवाइएगा। तो कल उनकी दोबारा हमें दूसरा टेस्ट करवाना है और आई होप इट विल बी गुड। लेकिन होम्योपैथी रियली वर्क्स, इट रियली वर्कड अ लॉट, शायद उसने सेव कर लिया, वरना वो पैनिक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो लगातार जो फॉल हो रहा था उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। वहाँ और भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में जो मेरे फादर के साथ ही एडमिट हुए थे, जिनका भी डिस्चार्ज नहीं हुआ था, बाद में उन्होंने भी वो दवाइयां ली, उनको भी उससे बेनिफिट हुआ। तो मेरा सजेशन, अगर आप में से कोई भी जो कोविड अटेंडेंट है वो खुद भी प्रिवेंटिव वाली दवाइयां खाए, डॉक्टर साहब खुद सजेस्ट करते हैं कि कौन सी लेनी है, मुझे तो उन्होंने कोविड वाली ही खाने को बोला था, तो वो दवाइयां खाए, उससे खुद का बचाव तो है ही, साथ में आपके पेशेंट की रिकवरी रेट भी बहुत फास्टर है। आप सब कुछ वो कीजिए जो आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, अलॉन्ग विद दिस होम्योपैथी एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट, आई एम श्योर दिस इज माइन। और हाँ, डॉक्टर तोमर का नंबर मैं आपको सजेस्ट कर बता देती हूँ। डॉक्टर तोमर का नंबर है 9810616917। एक और नंबर है वो भी आपको नोट करा देते हैं, नंबर है 9818456066। आई एम रिपीटिंग द नंबर वंस अगेन, 9818456066। थैंक यू डॉक्टर तोमर, एंड प्लीज स्टे काम, फॉलो ऑल प्रोटोकॉल विच इज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर, एंड बिलीव ऑन दिस होम्योपैथी एज वेल इफ यू विश। Choice is yours.